वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे स्रोतियों नूं मेरे मनिंदर कौर वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण तक असी इस किताब दे 138 पन्ने पढ़ चुके हाँ। हुण शुरू करदे हाँ फेरू शहर दी जंग बारे इतिहासकारां दीआं की रावां सी। सिखां दे लीडरां दी गद्दारी दा सदका अंग्रेजां ने फेरू शहर दी लड़ाई जित लई। इस युद्ध बाबत कुछ इतिहासकारां ने अपनियां रावां इस तरह दित्तियां हन। जनरल गार्डन लिखदा है, फेरू शहर दी लड़ाई बड़ियां बड़ियां लड़ाइयां विच्चों इक सी। अंग्रेजां ने जिन्नियां लड़ाइयां हिंदुस्तान विच लड़ियां उन्हां सारियां नालों इह सख्त लड़ी गई सी। कहा जांदा है सिखां ने साडी हकूमत हिंद नूं जड़ां तक हिला दित्ता सी। चार्ल्स गफ ते आर्थर डी इंज लिखदे हन, कदे किसे देसी फौज ने जिस दी गिनती एनी घट होवे अंग्रेजी फौज दा इस बहादरी नाल टाकरा नहीं सी किता जिहो जिहा सिखां ने जंग फेरू शहर विच किता। भावें अंग्रेजां नूं फतेह प्राप्त होई पर दलील इस दे उल्ट है। जे सिखां नूं इहो जिहे सैनापति मिलदे जिन्हां दी अगवाई विच उह अपने गुण प्रगट कर सकदे तां जंग दा नतीजा कुछ होर हुंदा। दलीलां ते बहाने इह सच्चाई नूं झूठा साबित नहीं करदे। सिखां ने इस दृढ़ भरोसे ते फौजी नियमां अनुसार टाकरा किया कि सानू हिंदुस्तान की किसी लड़ाई विच इस दी मिसाल नहीं मिलती। सिखां दी इह सफलता रणजीत सिंह दे अख्तियार किए गए नवे जंगी ढंग का नतीजा सी। लड़ाई का जंगी ढंग सीखण ते समझण विच सिख बाकी सारिया देसी फौजां नालों चंगे सियाने सन। जे एम लोडली लिखता है, इन्हां दोहां हमलिया मुदकी ते फेरू शहर पिछों सिख फौज दे सरदारां दे हजारा विसाघात करन ते वी भाव जे इन्हां दोहां लड़ाइयां विच विसाघात ना करदे तां अंग्रेज अपने सरबंस नास तों नहीं सी बच सकते। पंडित नंद कुमार देव शर्मा लिखदा है, जे लाल सिंह ते तेज सिंह मिल के पंजाब दे पैरां विच गुलामी दीआं बेड़ियां पुआउण वास्ते विसाघात ना करदे तां इस युद्ध दा नतीजा कुछ होर हुंदा। कनिंगम लिखदा है, जे कोई आदमी सिख फौज नूं चंगी तरह लड़ाउण वाला हुंदा तां अंग्रेजां दा फिरोजपुर नूं वापस मुड़ना सिखां दे हक विच फौजी विचार तों चंगा साबित हुंदा। पर दुश्मन दी फौज दे लीडर गद्दार सन, इस वास्ते निडर होके मैदान विच लड़ना चंगा सी। अंग्रेजी फौज नूं पहली वार बराबर दे हथियारबंद दुश्मन नाल लड़ना पिया। इह सब कुछ लाल सिंह तेज सिंह आदि दी गद्दारी दा सदका होया। एक थां नहीं वार वार इतिहासकारां ने उन्हां दोहां दी करतूत नूं नशर किता है। कनिंगम कहिंदा है, तेज सिंह खालसा फौज नूं तबाह कराउणा चाहुंदा सी। मैकग्रेगर लिखता है, सिख सरदार अपनी फौज नूं बर्बाद कराउणा चाहुंदे सन। कनिंगम एक थां होर लिखता है, ओहो लाल सिंह तेज सिंह आदि अंग्रेज जेतुआं दे माथित वजीर बन के काम करना चाहुंदे सन, इस वास्ते उन्हां फिरोजपुर ते हमला ना किता ते अंग्रेज अफसरां नूं अपनी हमदर्दी दीआं गुप्त चालां तों जाणू करा दित्ता। हुण आपे फैसला कर लवो कि इस लड़ाई विच सिख क्यों हारे। सिख तां नस के सतलुज टप्पे गए ते अंग्रेजी फौज मैदान विच उसे हाल खिलरी पई रही। इस वेले अंग्रेजां कोल जंगी समान मुक चुका सी, सो उन्हां मजबूरन कुछ दिन लड़ाई बंद रखी। सिख फेर दरियायो पार फतेहगढ़ सभरावां दे मैदान विच जा कट्ठे होए। इह वेख के अंग्रेज बड़े घबराए। उन्हां नूं डर सी कि जे सिखां ने दिल्ली तों आउंदा समान लुट लिया तां बड़ी मुश्किल बन जावेगी। सो 17 जनवरी नूं हरी स्मिथ फौज लै के लुधियाणे नूं तुर पिया। उन्हें जांदियां ही बिना गोली दागन दे धर्मकोट ते कब्जा कर लिया ते 20 जनवरी नूं जगराओं दा किला भी जा मलिया। फेरू शहर दी लड़ाई समें सरदार रणजोर सिंह मजीठा फलौर दे किले विच सी। उह सने फौज 10,000 लुधियाणे दे लहिंदे पासे नेड़े जा धमकिया ते कई फौजी बारका साड़ दित्तियां। उस वेले सरदार अजीत सिंह लाडवा भी उस दे नाल सी। अंग्रेजी सिपाहियां ने जो कुछ लुधियाणे सन अगों कोई हथ ना हिलाया क्योंकि उह सिखां दा टाकरा करन दे समर्थ नहीं सन। पता नहीं क्यों बिना कारण ही रणजोर सिंह लुधियाणा छड के बद्दोवाल आ बैठा।
20 जनवरी की अद्धी रात को हरी स्मिथ ने जगराओं तो कूच किया। 21 को सवेरे बद्दोवाल पुजा तो पता लगा कि रणजोर सिंह राह रोकी बैठा है। हरी स्मिथ लड़ना नहीं सी चाहता, सो उसने दखन के पासे चक्कर कट के लंघना चाहिया। सिखा ने अगे वध के उस ते हमला कर दिता तो उन्हें भी मारी दे अगों टाकरा किया। थकी हुई अंग्रेजी फौज सिखा दे टाकरे ते खलो ना सकी ते छेती ही लुधियाने वल नस पई। इस लड़ाई विच अंग्रेजां दे 59 आदमी मरे, 64 फटड़ होए ते 77 गुम होए। कुछ सिपाही सिखा ने कैदी बना के जिन्हां विच असिस्टेंट सर्जन बॉन ते कुछ यूरोपीन सिपाही लाहौर पहुंचा दते। इस वेले अंग्रेज बड़े घबराए हुए सन, बहुते अफसर जित दी आस ला बैठे सन। गवर्नर जनरल दी घबराहट दा अनुमान उसके ऐलान तो लग सकता है, जिस विच उसने सिख सिपाहियां नू फौज छड्डन उत्ते इनाम ते पेंशन देन दा इकरार किता ते भगौड़ियां नू अंग्रेजी राज विच सहायता मिलन दा वचन दिता। पॉटर नामे अंग्रेज 1826-27 ईस्वी विच बंगालो तोपखाने विचों कढ दिता गया। वह अपना फर्जी नाम ब्राउन रख के सिख फौज विच भर्ती आ होया। इत्थे ओह तोपची सी ते रणजोर सिंह वाली फौज विच सी। ओह लुधियाने अंग्रेजी फौज विच आ गया ताकि अपनी कौम दी कुछ सेवा कर सके, पर उसनू अगो हुकम होया कि ओह सिख फौज विच वापस चला जाए ते उत्थे रह के अंग्रेजां दी सहायत करे। अलीवाल दी लड़ाई विच उहने अपनियां चारे तोपां उपर नू मूंह करके बीड़ियां, जिन्हां दे गोले अंग्रेजां दे उत्तों दी लंघ के दूर पैंदे सन। अंत ओह चौहां तोपां सने जान बुझ के गिरफ्तार हो गया ते अकबर वाले फतेहगढ़ सभरावां कोल अंग्रेजी कैंप विच लियांदा गया। एक होर अंग्रेज सुल्तान मुहम्मद नाम रख के असली नाम लेडी ते एक होर बायल सिख फौज विच भर्ती होए। इन्हां सारियां ने सिखां नाल विसाघात किया। बद्दोवाल की लड़ाई विच अंग्रेज बुरी तरह हारे सन, इस करके हरी स्मिथ की बहुत बदनामी हो रही सी। हरी स्मिथ हार्डिंग का पुराना मित्र सी, ओह किसे बहाने अपने दोस्त की बदनामी धोना चाहुंदा सी। हरी स्मिथ 28 जनवरी नू सज्जर शाह फौज लैके लुधियाने वालों वापस मुड़ रहा सी। अलीवाल दे कोल उहनू सिखां दा एक दस्ता नजरी पिया। शायद यह सरदार रणजोत सिंह की फौज का दस्ता होवे जो सभरावां वल्ले हट रहा सी। हरी स्मिथ ने उन्हां गिनती दे सिखां उत्ते सारी फौज नाल धावा बोल दिता। सिख गिनती विच बहुत थोड़े सन, सो मामूली झड़प पिछों वह दरिया सतलुज वल हट गए। इन्नी कु घटना नू सरकारी रिपोर्ट लिखण वालियां ने अलीवाल की घमसाण की जंग ते हरी स्मिथ की शानदार फतेह लिख धरिया। डॉक्टर एड्रियो एडम्स अपनी पुस्तक विच इस नू सिर्फ चिट्ठी पत्र की लड़ाई कहिंदा है। इन्हां ही दिनां विच सिखां ने एक होर भुल कीती। राजा गुलाब सिंह डोगरे ध्यान सिंह दा वड्डा भरा नू जम्मू तो बुला लिया। 27 जनवरी नू ओह 3000 डोगरा फौज सने लाहौर आ गया। सिख राज दे पुराने दुश्मन नू पंजाब दा वजीर चुक बनाया। ओदियां वी चिर दियां आसां नू फल लगण दा समां आ गया। ओह सरदार जवाहर सिंह दे समय तो ही अंग्रेजां नाल चिट्ठी पत्र कर रहा सी कि जे अंग्रेज उसनू पहाड़ी इलाके दा स्वतंत्र महाराजा मन लैण ता उह पंजाब लैण विच अंग्रेजां दी मदद करन नू तैयार है। फिर शुरू नवंबर 1845 विच उन्हें अंग्रेजां वल आदमी भेजिया कि सिख लड़ाई उत्ते तुले होए हन, मैं दिलों तुहाडे वल हां ते लोड़ पई ते तुहाडी मदद करांगा। दसो एहो जहे आदमी कोलों नेकी दी की आस हो सकती है। चार्ल्स गफ ने एदी बड़ी टुकवीं तस्वीर खिंची है। ओह लिखदा है, इस विच कोई शक नहीं कि गुलाब सिंह बड़ा लायक आदमी सी, जिहो जिहा उसका भरा ध्यान सिंह सियाना सी। यह भी बिल्कुल प्रगट है कि गुलाब सिंह पत्थर दिल ते निजी लाभ का ख्याल रखण वाला हाकम सी। ओह एहो जिहा बंदा सी कि जिमीदार की आखरी कोडी भी अपनी जेब विच पा लैंदा ते वैरी नू राह विचों कंडे वांग कढ दिंदा, पर उनू रहम ना आउंदा। जद तक ओह किसे नाल वफादार रहण विच अपना लाभ समझदा तद तक उसकी वफादारी भरोसे योग सी। इह बुरियां खसलतां कई देसी सरदारां विच सन, पर ओदियां इह आदतां अकल ने ढकियां होईयां सन। कहा जांदा है ओह रहम ते खुल दिली वास्ते तैयार हो जांदा जे ओह सोचदा कि तरसवान ते उधार होण विच ओहदा जाती फायदा है।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਭ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦਾਨਵਾ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸਣੇ ਦਰਿਆਓ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੌਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਖਿਲਰੀ ਪੁਲਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤ ਉਹ ਸਭਰਾਵੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਲਵਾਨ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆਓ ਉਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਆਦਿ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਦੋਵਾਲ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਫਤਿਹ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੇਹਥਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਗਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੋਹਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਤੀ ਗਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਗਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜੇਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਕੁਛ ਕੱਟ ਮਰੀ, ਕੁਛ ਸਿਪਾਹੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨੱਸ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਹ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਧੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਰਨੈਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ 200 ਜੰਬੂਰਕੇ ਤੇ 67 ਤੋਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਬੂਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੇ ਬੀੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਤੋਪਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਢੇ ਕੱਚਿਆਂ ਥੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਠਾਣ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਵਾਂਗ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ।
राजा गुलाब सिंह नाल होए गुप्त समझौते करके दूजे पासे अंग्रेजां दे हौसले बहुत वध गए। 7 फरवरी नूं दिल्ली तों नवां जंगी समान वड्डियां तोपां जिन्हां नूं हाथी खिचदे सन ते कुछ सज्जर शाह फौज आ गई। 8 फरवरी नूं हरी स्मिथ वी गफ नूं आ मिलिया सो उन्हां नवें हमले की तैयारी कर दित्ती। 9 फरवरी का सारा दिन उन्हां तैयारी करदिआं लंघा दित्ता। सारी फौज नूं इस तरह तिन्नां हिस्सों विच वंडिया। गिलबर्ट की फौज विचकार सर रॉबर्ट डिक खब्बे हथ ते हरी स्मिथ सज्जे हथ। फौज की गिनती कई ने तो सिर्फ 15,000 लिखी है ते कई ने 15,000 पैदल 10,000 रसाला ते 120 तोपा लिखिया हैं। 7 फरवरी नूं लाल सिंह दा निकलसन तक गुप्त चिट्ठियां पहुंचाउण वाला नौकर नूरदीन पठान कसूरी अंग्रेजां कोल चिट्ठी लैके पुज्जा। इस चिट्ठी विच लाल सिंह ने सिखां दे किले दा नक्शा दित्ता सी ते लिखिया सी इस लड़ाई दा सेनापति तेज सिंह है पर इस विच कोई हर्ज नहीं, ओह अपने बचन ते पक्का है ते वित्त अनुसार अंग्रेजां दा भला करन दा यतन करेगा। मेरे हथ रसाला है ते मैं उहनूं इधर उधर खिलार छड्डिया है। नाल ही सिखां दे मोर्चे दी दखण दी बाही बड़ी कमजोर है, उधर दी कंध माड़ी जिही बनी हुई है। होर सुनो, कलकत्ता रिव्यू जून 1849 ईस्वी पन्ना 549। भावें लाल सिंह ते तेज सिंह दी गद्दारी ते शक करदा है पर फिर भी मानदा है कि लाल सिंह ना सिर्फ निकलसन नाल चिट्ठी पत्र ही कर रहा सी सगों 7 फरवरी 1846 ईस्वी नूं ख्याल है उन्हें सभरावां विच सिखां दे मोर्चे दा नक्शा लारेंस नूं भेजिया। 19 दसंबर 1845 नूं मुदकी दी लड़ाई तो अगले दिन लाल सिंह दा एजेंट ब्राडफुट कोल आया जो झाड़ पा के कढ दित्ता गया। तेज सिंह दी गद्दारी बारे एक मन्नण वाली रवायत अनुसार कहा जा सकता है कि उन्हां दीआं तोपां दा बारूद छेड़िया गया ते बहुत सारा नकारा कर दिता गया है। हुण वी लाल सिंह ते तेज सिंह दे लूण हरामी होण ते कोई शक है? जिथे इहो जिहे कुल घाती लीडर होण उत्थे होर दुश्मनां दी की लोड़। 10 फरवरी 1846 ईस्वी दा सूरज अजे निकलण वाला सी जां अंग्रेजां ने अपनियां तोपां नूं अग विखाई। अगों उत्तर विच सिखां ने भी तोड़े दागे। दोहां पासियां तो अग वरन लगी। 3 घंटे लगातार गोले वरदे रहे पर कोई पासा भी पैरां तो ना हिलिया। पिछलियां 4 लड़ाइयां विच अंग्रेज सिख सिपाहियां दी बहादुरी वेख चुके सन। सिखां दा रोब गोरा फौज ते देसी फौज दोहां दे दिलां ते बैठा होया सी। सो गफ ने 4 पलटना 10वीं पैदल मलकां दी 53वीं पैदल 43वीं देसी ते 49वीं देसी सने तोपखाना नवियां जो अगे किसी लड़ाई विच सिखां नाल नहीं लड़ियां सन सिखां ते हमला करन वास्ते तजवीज़ कीतियां। सर रॉबर्ट डिक ने यह 4 पलटना लैके लाल सिंह दे दसे मुताबक दखणी हिस्से ते हल्ला कीता। तोपां दी मार ने बाही विच इक पाड़ पा दिता। गुस्से विच सिखां ने ओ अग वराई के रॉबर्ट डिक नूं जख्मी हो के पिछे मुड़ना पिया। सिखां ने ओह मोर्चा फिर पक्का कर लिया। अंग्रेज वार वार हल्ला करदे ते खालसा फौज की फौलादी कंध नाल टक्कर खा के वापस मुड़दे। इसे वेले लाल सिंह सने अपनी फौज दे बिना कारण नस पिया। थोड़ी देर पिछों तेज सिंह भी सने आदमी 6,000 फौज दे नस उठिया ते जांदा जांदा बारूद भरिया बेड़िया दरिया विच डोब गया। जो पुल सिखां ने दरिया उत्ते बद्धा सी ते जिहदी राखी तेज सिंह कर रहा सी ओह उस विचों 2 बेड़ियां डोब के पुल भी तोड़ गया। जरनैलां तो सखनी फौज घबरा उठी। लड़न वाले सन पर लड़ाउण वाला कोई नहीं सी। इन्ने नूं तोपचियां वालों सारे दुहाई फिर गई कि नवियां पेटियां खोलन ते उन्हां विचों बारूद दी थां रेत ते सरों निकलदी है। हुण की कीता जावे? सामणी बाही दे जंबूर के खाली पए सन। बंदूकचियां नूं बारूद मिलना बंद हो गया सी। दरिया दे पिछले पासे बीड़ियां होईयां दूर मारू तोपां दे गोले अंग्रेजी फौज दे उपर दी अगले पासे जाके पैंदे सन क्योंकि उन्हां तोपां दे चलाउण वाले मुसलमान सन जो तोपां दे मूंह उच्चे करके चलाउंदे सन ताकि दुश्मन दा कोई नुकसान ना होवे। अंत इह तोपां भी हौली हौली चलनों बंद हो गईयां। इन्ने तक विरोधी फौजां 2-3 थावां तो सिखां दे मोर्चे विच दाखल हो गईयां। सिख भी लगे खिलरन। ऐन इसे वेले सरदार शाम सिंह अटारी वाला मैदान विच पहुंच गया। चिट्टा नूरानी दाड़ा चिट्टी पोशाक विच सजिया होया
ਉਹ ਸਫੇਦ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਅਣਖ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਲਲਕਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ। ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਫੇਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਫਸੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉੱਦਮ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਸਰੋਂ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਾਇਰਾ ਵਾਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਮਰਨ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਦੀ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਵੋ। ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਵਿਸਾਘਾਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਾਰੂਦ ਖੁਣੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਸੰਗਣ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਓ। ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੁੰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਖਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਨੰਬਰ ਪਲਟਣ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਲਟਣਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਫ਼ਾ ਉਲਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਰਾਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਨੱਠਾ, ਪਰ ਨੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 3-4 ਮੀਲ ਲਮਾਨ ਤੇ ਮੀਲ ਡੇਢ ਮੀਲ ਚੁੜਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਥ ਤੇ ਲੋਥ ਚੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੋਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਝੰਡ ਪਈ ਉੱਡਦੀ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਹੂ ਰੋਗਾ ਹੋ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਛ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਫਸੋਸ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ। 10 ਫਰਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਪਾਂ ਤੇ 200 ਦੰਬੂਰਕੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ 13 ਮਰੇ ਤੇ 101 ਅਫਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 320 ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਤੇ 2063 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ ਸਨ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ 5-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਛ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਂ ਹੇਠ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਲਨ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
मैकग्रेगर अपनी किताब विच थां थां यों लिखदा है, यह कदे नहीं भुलना चाहिदा कि सिख कुदरती तौर ते सिपाही है, ओह होर किसे नौकरी दी परवाह नहीं करदा जो उस दे धार्मिक असूल दे उल्ट होवे, उस दी जिंदगी दा निशाना लड़ना है। सिख कौम नूं जंगी फिरका बनाउण दा सेरा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे सिर है। असूल अनुसार हर एक सिख वास्ते तलवार रखनी जरूरी है ते उस दी जिंदगी दा परम धर्म युद्ध है। धार्मिक विश्वास अनुसार ओह तलवार नूं म्यान विच नहीं कर सकदे जद तक प्राण ना निकल जाण। तलवार नीवी होवे तां जिंदगी दी समाप्ति ना। सभरावां दे जंग विच बेअंत सिख कतल होण ते दरियावां विच डुब्बण पिछों जिहड़े बचे ओह लड़ाई वास्ते इस दलेरी नाल तैयार सन जिवें पहलियां लड़ाइयां विच जित्ते हुंदे हन। सिखां दे लीडर अपनी सिख फौज नूं तबाह करवाउणा चाहुंदे सन, दुश्मन दे इलाके उत्ते कब्जा नहीं करना चाहुंदे सन। स्मिथ लिखदा है, आम तौर ते सिखां नूं गप्पी ते कमदले समझिया जांदा है, पर अंत सानूं पता लग गया कि सिख बहादुर ते चंगे सिपाही हन, पर अफसोस उहनां दे सेनापति चंगे नहीं सन। गफ लिखदा है, इह साडी खुशकिस्मती है कि सिख फौज दे लीडर निकम्मे सन। कनिंगम खालसा फौज दे लीडरां दे इरादे बाबत लिखदा है, ओह सारी फौज जो उहनां लीडरां दी निजी ताकत नूं घिरना करदी सी समुचे तौर ते मरवाउणा चाहुंदे सन। लाल सिंह दी करतूत बारे कनिंगम यों कहिंदा है, ओह इस गद्दारी नाल सिख राज नूं खतरे विच पा के अपने रुतबे वधाउणा चाहुंदा सी। सर चार्ल्स जेम्स नेपियर लिखदा है, जे गुलाब सिंह सिखां नाल धरो ना करदा इधर उधर पई होई अंग्रेजी फौज सिखां दी तलवार दी भेट हो जांदी। इस लड़ाई बाबत कुछ झूठियां रवायतां चलियां आउंदियां हन जिन्हां ते चानना पाउणा जरूरी है। एक गल पाठकां नूं इह समझ लैणी चाहीदी है कि देश तरोही धड़ा जिहड़ी काली करतूत आप करदा सी ओह दूजियां सिर मड़ छड़दा सी। इस नीति दा शिकार महाराजा खड़क सिंह ते संधा वालिए आदि कई हुए। ओह चाल इत्ते चली गई, इह गल उड़ा दित्ती जो अजे तक अनपढ़ ते इतिहास तों अणजाण बंदियां विच चली आउंदी है कि महाराणी जिंद कौर ने सिख फौज नूं भड़का के अंग्रेजां नाल लड़ाई कराई। उन्हें अंग्रेजां नूं चिट्ठियां लिखियां ते सभरावां दे मैदान विच बरूद दी थां सरों कल दित्ती जिस वास्ते सिख फौज हार गई। उन्हें यह सब कुछ अपने भरा जवाहर सिंह का बदला लैण वास्ते किया। आओ हुण इस ते विचार करिए। आप इसे किताब के तीजे कांड के आरंभ के कुछ पत्रे फेर पढ़ो, आपनों पता लगेगा कि लड़ाई के कारण पैदा करन वाले अंग्रेज सन ते उधरों खालसा फौज नू भड़काउण वाले लाल सिंह तेज सिंह आदि जो अंदरों अंग्रेजा नाल मिले हुए सन। महाराणी जिंद कौर यह लड़ाई छेड़न के विरुद्ध सी। बाकी गल रही चिट्ठियां दी, गौरमेंट दे सारे कागज ते समकाली इतिहास फोल वेखो, इस मतलब दी राणी जिंद कौर दी कोई चिट्ठी नहीं मिलेगी। हां लाल सिंह तेज सिंह ते गुलाब सिंह दीयां चिट्ठियां जरूर मिलणगीयां। लाल सिंह वार वार अंग्रेजां नूं लिखदा है कि मैं तुहाडा मित्र हां। गुलाब सिंह वजीर बन के हार्डिंग नाल फैसला करदा है कि खालसा फौज नूं तबाह कर दिता जावे, तद ही लाहौर दरबार सुलाह ते पक्का रह सकेगा। बारूद ते सरों दी बाबत भी आप पढ़ चुके हो कि यह तेज सिंह दी करतूत सी जिन्हें बेड़िया दा पुल तोड़ दिता। बहुत सारिया बारूद नाल भरिया बेड़िया दरिया विच डोब दित्तियां ते बाकी पेटियां विच बारूद दी थां सरों भर दित्ती। पर यह दूषण जिंद कौर सिर क्यों मड़िया गया? सिर्फ इस वास्ते कि आम जनता लाल सिंह तेज सिंह गुलाब सिंह आदि दियां खोटियां चालां नूं समझ ना सके? सो याद रहे कि महाराणी जिंद कौर इस दूषण तो बिल्कुल बरी ते निर्दोष है, उहनूं अंत तक इस धोखे का पता नहीं चलिया। लड़ाई उस तों बवारी हुई फौज ने छेड़ी सी, ओह मोए भरा दा बदला लैण बदले अपने मासूम बच्चे दलीप सिंह दी धौण उत्ते कदे छुरी नहीं सी फेर सकदी। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ?
क्यों लाल सिंह, तेज सिंह आदि देश नाल विशाखात करन वास्ते तैयार हो गए, क्यों मर मिटन वाले सिपाहियां मजबूत तोपां ते पक्के निशानाबाज गोलंदाजा दे हुंदिया खालसा फौज हार गई। इस दे कई कारण हन। सब तो वड्डा कारण फौज ते अफसरां विच अजोड़ सी। दोवें धिर आपस विच बड़े दूर हो गए सन ते अपने वक्खो वख लाभ सोचते सन। सिपाहियां दा अभिमानी सुभा ते अफसरां दी खुदगर्जी लै लथे। फौज वड्डियां तनखाही ते राज प्रबंध विच अपना अटल हुक्म कायम रखण दे हक विच सी ते अफसर आप हुदरी फौज नूं तबाह करके अंग्रेजां दी मदद नाल अपनी ताकत वधाउणा चाहुंदे सन। दोहां धिरां दा निशाना वक्खो वख सी। लार्ड हार्डिंग दे इस वाक तों लाहौर दरबार नाल सुलाह कर लैणी औखी नहीं, पर खालसा फौज का कौन जिम्मेवार बने? साफ प्रगट है कि फौज ते अफसर दो वख वख चीजां सन। सरदार जवाहर सिंह दे कतल होण ते फौजां तो डरदा पंजाब दा वजीर कोई नहीं सी बांदा, क्योंकि फौजी पंचां दे इशारे नाल सिपाहियां दे हत्थों कई लायक महाराजे, नामवर सरदार, वजीर ते शाहजादे मारे गए सन। अंत जे लाल सिंह ते तेज सिंह करमवार वजीर ते सेनापति बने भी तां उपरले रोग दा इलाज सोच के ते ओहो इलाज उहनां दे ख्याल विच इक्को ही सी, सिख फौज नूं अंग्रेजां नाल पढ़ा के तबाह करवाउणा। ओहो इस काम विच कित्थों तक ते किवें सफल होए आप पढ़ चुके हो। इस तों इलावा छोटे छोटे होर भी कारण सन, जिवें यूरोपियन अफसर नौकर रखणे, क्योंकि वह सिख हकूमत के भेत अंग्रेजा पास प्रगट करते सन। लड़ाई विच भी कुछ करते रहे जिस तों अंग्रेजा नूं लाभ ते सिखां नूं नुकसान पुजे। कुछ मुसलमान अफसर ते फौज भी सी जिन्हां मैदान विच खासकर सबरावी ऐसे ढंग वरते जिवें तोपां दे मूंह उतां करके चलाईयां कि गोले अंग्रेजी फौज तों पार लंघ जाण ते नुकसान कोई ना करन, जिन्हां तों दुश्मन नूं लाभ पुजे। पर यह काम उन्हां उदों कीता जद उन्हां नूं सिखां दी हार दा यकीन हो गया। मैकग्रेगर इसका हवाला यों दिंदा है, पंजाब दे मुसलमान सिखां दा नवेकला राज पसंद नहीं करते सन। ओह भुले नहीं सन कि थोड़ा चिर पहला ओह आप लाहौर दे बादशाह सन, तोपखाने दा हाकम एक मुसलमान सी ते ओहदे चंगे तोपची भी मुसलमान सन। ओह सिखां वांग मुल्क बदले नहीं लड़ रहे सन, ओह सिर्फ तनखाहदार नौकर सन। भावें ओह सच्चे ते वफादार नौकर समझे जांदे सन, पर जिस कौम दी फतेह वास्ते ओह दुआवां मंगदे सन उस बदले ओह थोड़ा बहुत हथ ढिला भी कर सकते सन। भावें ओह उहनां लोकां सिखां दे मददी बने हुए सन जिन्हां नूं ओह धार्मिक वजह अनुसार अपनियां अखां नाल गुलाम वेखना चाहुंदे सन। हां कुछ मुसलमान बड़े नेक ते वफादार रहे जो सबरावां दे मैदान विच बहादरां वांग लड़ के मर्दां दी मौत मरे। इस सारी लड़ाई विच 12-15 हज़ार सिख फौज तबाह होई। 10-11 फरवरी दी विचली रात फिरोजपुर कोलों अंग्रेज सतलुज पार होए ते 12 फरवरी नूं बिना रुकावट दे कसूर आ मल्लिया। इत्थे ही अंग्रेजां नूं खबर मिली कि 20 हज़ार खालसा फौज अमृतसर विच इकट्ठी हो गई है। उत्थे गोविंदगढ़ दे किले विच उहनां कोल तोपां ते बारूद सिक्का भी है, परंतु फौज कोल लीडर कोई नहीं। 14 फरवरी 1846 नूं हिंदुस्तान दे गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग ने कसूर तों हेठ लिखिया ऐलान कढ़िया, सतलुज ते खब्बे पास्यों सिख फौज भजा दित्ती गई है, ओह हर गल विच हार गई है, उस दियां 220 तों वधेरे जंगी तोपां खोह लईआं गईआं हन। अंग्रेजी फौज सतलुज पार करके पंजाब विच दाखल हो चुकी है। इस ऐलान राही गवर्नर जनरल प्रगट करता है कि अंग्रेज सरकार नूं पिछले 13 दिसंबर दे ऐलान अनुसार यह कदम उठाउणा पिया है, क्योंकि गवर्नर जनरल नूं अंग्रेजी इलाके की राखी करन उत्ते मजबूर किया गया है ते अंग्रेजी वकार नूं कायम रखना, सुलाह तोड़न वालियां नूं सजा देनी ते जनता विच अमन रखना जरूरी है। असी लगातार बड़े जोर नाल अगे वधदे रहांगे जद तक साडा चितव्या होया मनोरथ पूरा ना हो जाएगा। अंग्रेजी फौजां हत्थों पंजाब दा कब्जा नहीं छड्डिया जाएगा जद तक अंग्रेज सरकार दी हद तक ते 1809 दी सुलाह तोड़न दा बदला ना लिया जावे, क्योंकि साडे वल्लों कोई छेड़खानी किते बिना
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਰਹੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਰਈਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਆਪ ਖੁਦਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਮੱਲਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਂਜ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਬਦਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੱਕਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਫਤਿਹ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਦਲੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੁਲਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਦੇ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਫੌਜੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਜੁਗ ਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਢੰਗ ਵਰਤੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਮਚਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਉੱਠੇ। ਵਿਸਾਘਾਤੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਸੂਰ ਪੁੱਜਾ। ਉੱਧਰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਦੁਆਬਾ, ਬਿਸਤ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਅੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਲਿਆਣੀ ਆ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਰਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ।
20 फरवरी नूं अंग्रेज लाहौर जा पुजे। अगले दिन लार्ड हार्डिंग ने दलीप सिंह नूं महाराजा रणजीत सिंह दी गद्दी ते बिठाया ते ऐलान कीता कि दलीप सिंह पंजाब दा महाराजा रहेगा। इस सारे रंग ढंग तों पंजाब वासी समझ रहे सन कि हुण पहला वर्गा पंजाब नहीं रहा। 26 फरवरी नूं हार्डिंग ने एक आम दरबार किया जिस विच लाल सिंह मिसर पंजाब दा वजीर ते तेज सिंह सेनापति बनाए गए ते होण वाली सुलाह दीआं मोटियां मोटियां शर्तां दा वी ऐलान कीता। राजा गुलाब सिंह लाहौर दा वजीर बनन लई चरोकणी आस लाई बैठा सी। ओह किवें सहार सकदा सी कि लाल सिंह वजारत संभाल बैठे। उन्हें गुलाब सिंह ने हार्डिंग नूं साफ कह दिता कि सभरावां दे जंग विच खालसा फौज नूं मरौण बदले उस नूं कुछ मिलना चाहिदा है। नाल ही उन्हें यह भी कहा जे मैं लड़ाई लम्मी कर दिंदा तां इसदा नतीजा कुछ होर ही हुंदा। जे मैं आप ही मर्जी नाल जाल विछा के उस विच कैद ना हो जांदा ते खालसा फौज नूं खिलार दिंदा तां उह फिरोजपुर ते दिल्ली विच परलो लिया दिंदी। उस नूं नगाज वेख के हार्डिंग भी घबरा गया। ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ ਲਾਹੌਰ 9 मार्च 1846 ईस्वी। सुलाह जो महाराजा रणजीत सिंह वालिए लाहौर ते सरकार अंग्रेजी विच 1809 ईस्वी नूं होई सी सिख फौज दे हमले कारण जो उसने बिना किसी वजह दे पिछले दसंबर विच अंग्रेजी इलाके उत्ते कीता टुट गई है। महाराजा लाहौर दे ओह सब इलाके जो सतलुज दे खब्बे पासे हन 13 दसंबर दे ऐलान राही जब्त करके अंग्रेजी नाल मिला ले गए। उस समय तो लैके दोहां सरकारां ने एक दूजे विरुद्ध हमले जारी रखे जिसका सिट्टा सरकार अंग्रेजी का लाहौर उत्ते कब्जा है ते इस गल का फैसला होया है कि दोहां सरकारां विच अमन कायम रखने बदले कुछ शर्तां उत्ते सुलाह की जाए। यह सुलाहनामा महाराजा दलीप सिंह ते ओदे वारसां ते ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी विच लिखा गया है। कंपनी वल्लों फ्रैडरिक करी हैनरी मिंटगुमरी लॉरेंस जिन्हों गवर्नर जनरल हैनरी हार्डिंग ने पूरे अख्तियार दते हैं ते महाराजा दलीप सिंह वल्लों भाई राम सिंह राजा लाल सिंह सरदार तेज सिंह सरदार चतर सिंह अटारी वाला सरदार रणजोर सिंह मजीठा दीवान दीनानाथ ते फकीर नूरदीन जिन्हों महाराजे वल्लों पूरे अख्तियार हैं। पहला एक पासे सरकार अंग्रेजी ते दूजे पासे महाराजा दलीप सिंह उस दे वारस ते हकदारां विच सदा अमन ते दोस्ती रहेगी। दूजा लाहौर दा महाराजा उस सारे इलाके तों जो सतलुज दे दक्षण वल है अपने अपने वारसां ते हकदारां दे सारे हक त्यागदा है। तीजा महाराजा दलीप सिंह अपने सारे किले इलाके मैदान ते पहाड़ जो दुआबे भाव दरिया ब्यास ते सतलुज दे विच हन दे सब राजसी हक कंपनी दे हवाले करता है। चौथा सरकार अंग्रेजी 2.5 करोड़ रुपया शर्त नंबर 3 दे इलाके जो लाहौर ने अंग्रेजा नूं दिते हन तो वखरा हरजाना ते लड़ाई दा खर्च लाहौर सरकार दे सिर पौंदी है क्योंकि लाहौर दरबार इन्ना रुपया दे नहीं सकदा ते ना ही इस रुपए बदले कोई जामन देंदा है। इस वास्ते महाराजा 1 करोड़ रुपए बदले कंपनी नूं सारे इलाके किले ते उना दे हक जो दरिया ब्यास ते सिंध विच पहाड़ी इलाका है जिस विच कश्मीर ते हजारे दे सूबे शामिल हन देंदा है। पंजवां महाराजा कंपनी नूं 50 लाख रुपए इस सुलाह दे पक्के होण तो पहला जा उस समय देवेगा। छेवां महाराजा अपनी सारी बागी फौज नूं कढ देवेगा ते उस तों हथियार खो लवेगा ते महाराजा नवें सिरेयों उहनां असूलां अनुसार जो महाराजा रणजीत सिंह दे समें चालू सन नवीं तनखाहदार फौज भर्ती करेगा। जिहड़ी फौज इस शर्त अनुसार कढ़ी जावेगी महाराजा उसका सारा हिसाब मुका देवेगा।
सत्तवा लाहौर दरबार की फौज 20,000 पैदल ते 12,000 असवार तो वध नहीं होगी। यह गिनती किसी समय भी सरकार अंग्रेजी की आग्या बिना नहीं वधेगी। जे किसी वेले किसी खास कारण करके फौज वधाउण की लोड़ पवे तां ओह कारण सरकार अंग्रेजी नूं दसना पवेगा ते लोड़ दा समा लंघ जाण ते फौज की गिनती फिर ओहा रखी जाएगी जो इस शर्त विच पक्की कीती गई है। अठवां महाराजा ओह 36 तोपां जो दरिया सतलुज के सज्जे हथ बीड़िया गई सन ते अंग्रेजी फौज के विरुद्ध वरतिया गई सन जो सबरावां की लड़ाई विच अंग्रेजा के काबू नहीं आईया अंग्रेजा के हवाले करेगा। नौवीं दरिया सतलुज ते ब्यास मिठनकोट तक ते दरिया सिंध मिठनकोट तो बलोचिस्तान की हद तक अंग्रेजी सरकार के कब्जे विच रहणगे। जहां जहानी ते मसूल आदि उत्ते अंग्रेजी सरकार का ही अधिकार होगा। लाहौर दरबार दियां बेड़ियां जो इन्हां दरियावां विच परजा ते सरकार दे लाभ वास्ते वरतियां जांदियां हन इस शर्त तो बरी होणगियां। दोहां मुल्कां विच जहाजरानी दे लाभ वास्ते पक्का हुंदा है कि अंग्रेजी सरकार बेड़ियां नूं ठीक रखण दे खर्च कढ के बाकी बचत विचों अद्ध लाहौर दरबार नूं देवेगी। पर यह शर्त उन्हां बेड़ियां उत्ते जो लाहौर ते बहावलपुर की हद ते सतलुज विच चलदियां हन लागू नहीं होवेगी। दसवीं अंग्रेजी सरकार नूं लाहौर राज विच दी फौज लंघाउण दी लोड़ पवेगी तां अंग्रेजी सरकार दे कहण उत्ते फौज लंघाउण दी आग्या दे दित्ती जावेगी। इस हालत विच लाहौर राज दे हाकम हर तरह की सहायता करनगे ते अंग्रेजी सरकार इन्हां सहूलतां दे सब खर्च अदा करेगी। उन्हां सब निजी जायदादां दा नुकसान जो विचों फौज लंघन करके होवेगा सरकार पूरा करेगी। अंग्रेजी सरकार उन्हां लोकां दे धर्म दा पूरा ख्याल रखेगी जिन्हां दे इलाके विच दी फौज लंघेगी। ग्यारहवीं अंग्रेजी सरकार दी आग्या बिना अंग्रेजी परजा विचों जां किसे यूरपियन जां अमरीकन नूं महाराजा नौकर नहीं रखेगा। बारहवीं जम्मू दे राजा गुलाब सिंह नूं लाहौर ते अंग्रेजी सरकार विच सुलाह कराउण बदले यह सेवा उसने लाहौर दरबार वालों कीती है। महाराजा दलीप सिंह उन्हां इलाकियां ते पहाड़ी जिलियां दा महाराजा मन लवेगा जेड़े इलाके अंग्रेजी सरकार राजा गुलाब सिंह नूं इक वखरे अहदनामे राही देवेगी। इस विच ओह इलाका शामिल होवेगा जो महाराजा खड़क सिंह दे समें तों गुलाब सिंह दे कब्जे विच चले आउंदा है अते अंग्रेजी सरकार भी राजा गुलाब सिंह दी नेक चलनी दे कारण इन्हां इलाकियां ते ओदी आजादी प्रवान करदी है ते उनू वखरा अहदनामा करन दी आग्या दिंदी है। तेरहवीं इस साल विच राजा गुलाब सिंह ते लाहौर दरबार विच जे कोई झगड़ा होवेगा तां अंग्रेजी सरकार सालस बन के उसका फैसला करेगी ते ओह फैसला महाराजे नूं मनना पवेगा। चौदहवीं अंग्रेजी सरकार की आग्या बिना लाहौर दरबार अपने राज दियां हदां नूं वधा घटा नहीं सकेगा। पंद्रहवीं अंग्रेजी सरकार लाहौर दरबार के अंदले प्रबंध विच कोई दखल नहीं देवेगी पर जिन्हां सवालां ते झगड़िया बारे अंग्रेजी सरकार तो पुछया जाएगा गवर्नर जनरल अपनी चंगी ते नेक सलाह लाहौर राज दे भले वास्ते देवेगा। सोलहवीं दोहां सरकारां दी परजा जदों एक दूजे मुल्क विच सैर वास्ते जावे तां उस नाल चंगा सलूक कीता जावे। इह 16 शर्तां दा अहदनामा फ्रैडरिक करी ते हैनरी मिंटगुमरी लारेंस जो अंग्रेजी सरकार वल्लों गवर्नर जनरल हैनरी हार्डिंग दे हुक्म अनुसार काम करदे हन अते भाई राम सिंह राजा लाल सिंह सरदार तेज सिंह सरदार चतर सिंह अटारी वाला सरदार रणजोर सिंह मजीठा दीवान दीनानाथ ते फकीर नूरदेन जो महाराजा दलीप सिंह वल्लों हन विच पक्का होया ते इह अहदनामा गवर्नर जनरल ते महाराजा दलीप सिंह दियां मोहरां ला के पक्का कीता गया। इह अहदनामा 9 मार्च 1846 ईस्वी मुताबक 10 रबीउल अव्वल 1262 हिजरी नूं लिखिया गया ते पक्का होया। पहली सुलाह नाल संबंधित शर्तां लाहौर दरबार ते अंग्रेजी सरकार विच अहदनामा 11 मार्च 1846 ईस्वी
क्योंकि लाहौर दरबार ने गवर्नर जनरल को लाहौर विच अंग्रेजी फौज रखने लई बेनती कीती है जो महाराजे ते शहर दी उदो तक रख्या करे जदों तक ओह अपनी फौज नू सलाह दी छेवीं शर्त मुताबक ठीक नहीं कर लेंदे। सो गवर्नर जनरल चंद शर्तां उत्ते राजी हो गया है जो तीजी ते चौथी शर्त नू पूरा करन बदले जरूरी है। इस वास्ते एक अठ शर्तां वाला अहदनामा पास किया जाता है। पहली, अंग्रेजी सरकार 1846 ईस्वी के अखीर तक जद तक नवी सिख फौज छेवीं शर्त के मुताबिक ठीक नहीं हो जाती उन्नी अंग्रेजी फौज लाहौर रखेगी जिनी गवर्नर जनरल महाराजे ते लाहौर वासियां दी रख्या वास्ते ठीक समझेगा। यह फौज साल मुक्कन तो पहला जिस वेले लाहौर दरबार चाहे हटा ली जाएगी। अंग्रेजी फौज साल मुक्कन तो पिछों लाहौर नहीं रहेगी। दूजी, लाहौर सरकार इस गल नाल सहमत है कि अंग्रेजी फौज जो उपर दसे काम वास्ते लाहौर रहेगी उसनों लाहौर शहर ते किले का कब्जा दिता जाएगा ते लाहौर दी फौज शहरों बाहर कर दिती जाएगी। लाहौर सरकार अंग्रेजी फौज दे सिपाहियां ते अफसरां दे रहण वास्ते मकान देवेगी ते सारे वादू खर्च जो अंग्रेजी फौज नूं अपनियां छावनियां तों बाहर बिगाने इलाके विच रहण करके झलणे पैणगे अंग्रेजां नूं देवेगी। तीजी, लाहौर सरकार छेती ते उद्दम नाल अपनी नवीं फौज नूं पक्कियां होईयां शर्तां अनुसार जथेबंद करना आरंभ देवेगी ते लाहौर रहण वाले अंग्रेजी अफसरां दी सलाह नाल नवीं फौज रखी जाएगी। चौथी, जे लाहौर सरकार पहला लिखी शर्त नूं पूरा करन विच असफल रही तां सरकार अंग्रेजी नूं हक होवेगा कि ओह अपनी फौज साल मुक्कण तों पहला ही लाहौरों वापस बुला लवे। पंजवीं, सरकार अंग्रेजी उन्हां सारे जागीरदारां दे हक दा सतिकार करेगी जो लाहौर दी पहली सुलाह दी शर्त नंबर 3-4 अनुसार इलाकियां दे मालक हन ते जिन्हां दा संबंध महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा खड़क सिंह ते महाराजा शेर सिंह दे खानदान नाल है। सरकार अंग्रेजी उन्हां जागीरदारां दी उम्र तक उन्हां दा कब्जा उन्हां दीयां जागीरां उत्ते बहाल रखेगी। छेवीं, उन्हां कारदारां ते मैनेजरां पासों जो लाहौर सुलाह दी शर्त नंबर 3-4 अनुसार हन मामला उगराहुण विच सरकार अंग्रेजी लाहौर दरबार दी मदद करेगी। सत्तवीं, लाहौर सरकार नूं उन्हां सारे किलियां ते इलाकियां विचों जिन्हां दा जिक्र पहलियां शर्तां विच है खजाना ते होर सरकारी जायदाद लै जाण दी बिना तोपां दे खुल होवेगी। सरकार अंग्रेजी उन्हां विचों कोई चीज रखनी चाहे तां पूरी कीमत दे के रख सकेगी। सरकार अंग्रेजी अजिहियां चीजां लै जाण विच मदद करेगी। अठवीं, दोवें सरकारां अपने कमिश्नर पक्के करनगियां जो दोहां सरकारां दी विचली हद पक्की करनगे जो लाहौर दी सुलाह 9 मार्च 1846 ईस्वी अनुसार होवेगी। खजाने विच 12 करोड़ रुपया छड के महाराजा रणजीत सिंह सुरगवास होया सी पर हुण 2.5 करोड़ भी ना निकले। 1 करोड़ बदले तां जम्मू ते कश्मीर दा पहाड़ी इलाका सिखां ने अंग्रेजा कोल वेचिया ते बाकी 50 लाख कुछ खजाने विच्चों ते कुछ कईयां सिख सरदारां खास करके चतर सिंह अटारी कोलों लैके पूरा किता गया। 16 मार्च 1846 ईस्वी नूं अमृतसर विच गुलाब सिंह नाल हार्डिंग ने सुलाह पक्की कीती। 75 लाख रुपया इस विच्चों सुचेत सिंह दा 18 लाख कट के लैके गुलाब सिंह नूं जम्मू ते कश्मीर दरिया रावी ते अटक विचला पहाड़ी इलाका दा सुतंत्र महाराजा बना दिता। इस तरह सारा प्रबंध करके लोड़ींदी फौज लाहौर छड के बाकी अंग्रेजी फौज 23 मार्च नूं लाहौरों तुरी ते 26 मार्च नूं सतलुजों पार हो गई। लार्ड हार्डिंग ने पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच नहीं मिलाया। इस गल तों कई अंग्रेज अफसर उस दे विरुद्ध सन पर उसने पंजाब क्यों अपने राज विच नहीं मिलाया? केवल इस बदले कि ओह नहीं सी मिला सकदा। निरा जुबानी कह देन नाल जां ऐलान कर देन नाल ही इह काम नहीं सी मुक चलिया सगो सारे पंजाब ते कब्जा करन ते खालसा फौज नूं दबा के उस विच अमन रखना पैणा सी। इस सवाल दा जवाब अंग्रेज इतिहासकारां दी जुबानी सुन। पहला सीधा रस्ता इह सी कि पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच मिला लिया जांदा पर कंपनी ते गवर्नर जनरल आप इस काम दे विरुद्ध सन
क्योंकि इस हालत विच जे पंजाब नू जब्त करना संभव नहीं सी ता औखा बहुत सी। सिख फौज भावें मैदान विच हार चुकी सी पर 25,000 खालसा फौज लाहौर ते अमृतसर विच सी ते 8,000 पिशावर विच। सो एक लंबी लड़ाई बिना पंजाब नू पूरी तरह अधीन करना असंभव सी। एहो जही लंबी लड़ाई वास्ते कमांडर इन चीफ कोल काफी फौज नहीं सी। जिवें असी वेख चुके हाँ कि घमसान तो बचन की आस ने ही लार्ड हार्डिंग नू समय सिर काफी फौज लैके हद उत्ते चढ़ाई करन तो रोकी रखिया। लाहौर विच सर हयूग गफ की सारी फौज 20,000 तो घट सी जिस विचों कुल 3,500 गोरे सन। घेरा कत्तन वास्ते उसनू 70-80 जंगी तोपां चाहीदियां सन ते हर एक तोप पिछे 1,000-1,000 गोले की लोड़ सी पर उसदे कोल सिर्फ 30 तोपां सन ते हर एक तोप पिछे 300-300 गोला सी। अते सिंध विचों जिहड़ी फौज मदद वास्ते आ सकती सी ओह सर चार्ल्स नेपियर कोल 16,000 फौज ते 60 तोपां सन। यह फौज जे वेले सिर मैदान विच आ सकती सी पंजाब नू अधीन रखण वास्ते थोड़ी सी। दूजा ढंग जो पिछे कई बार वरत्या गया यह सी कि पंजाब नू टके भरन वाला रजवाड़ा बना दिता जांदा। बाकी तीजा तरीका यह रह गया सी कि मित्र बन के रहण वाली एक बलवान सुतंत्र सरकार कायम की जाए जो अंग्रेजा की सहायता की सदा लोड़वंद रहे ते जिस तो अंग्रेजी सरकार नू हिंदुस्तान विच कोई डर फिक्र ना हो। सो इस नीति नाल पंजाब जब्त नहीं किया गया। उस वेले पंजाब नू अंग्रेजी राज विच मिलाउणा राजनीति के अनुकूल नहीं सी। लार्ड हार्डिंग ने बड़ी लंबी सोच तो काम लिया नहीं तो जे पंजाब की गुलामी का ऐलान कर दिता जाता तो सारे पंजाब विच बलवा हो जाता। पंजाब की सारी सिख वसों फौजी सुभा की सी ते सारी शस्त्रधारी। लाहौर ते अमृतसर के उदाले पुदाले ओह सिख सिपाही फिर रहे सन जिन्हां दियां छातियां विच बदोबदी डुलण वास्ते खून उबल रहा सी। देश दे सारे हिस्सों विच किले सिखां दे हाथ विच सन ते हर एक विच थोड़ा बहुता समान भी सी। अंग्रेजा वास्ते एक एक किले नू फतेह करना अत कठन सी ते इस तो औखा सी सारे देश विच पड़की हुई बलवे की अग नू दबाउणा। जे इस समय तो 3 साल मगरों एक शेर सिंह की बगावत चेलियां वाली का घमसान मचा सकती है तो अंदाजा लाना औखा नहीं कि सारे मुल्क की बगावत किन्नी कु भयानक होंगी। लार्ड हार्डिंग यह भी जानता सी कि अगे सतलुज के कंडे अंग्रेज बल नाल नहीं जिते सगों सिखां दे सेनापतियां दी गद्दारी का सदका जिते हैं। पंजाब की गुलामी का ऐलान सुन के हो सकता है कोई वह सरदार भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते जिन्हां पहला सतलुज के कंडे हारन वास्ते सारा तान लाया सी। इस वेले भी लाल सिंह तेज सिंह ते गुलाब सिंह तो बिना होर कोई इस दशा विच खुश नहीं सी। जे इहो जिहे समय पंजाब दे एक एक किले ते कब्जा करना पैंदा तां ओहा जां उस तो वध हाल हुंदा जो कांगड़े दे कब्जे वेले होया। सो इहो जिही गड़बड़ तों डरदियां ही पंजाब अंग्रेजी राज विच नहीं सी मिलाया गया। एक जरूरी फुटनोट, कांगड़े दा किलेदार सरदार सुंदर सिंह सी अप्रैल 1846 ईस्वी विच दीवान दीनानाथ ते मेजर लारेंस फौज लैके गए। सुंदर सिंह नू लाहौर दरबार दा हुकम विखाया कि सुलाह दी शर्त अनुसार किला अंग्रेजां दे हवाले कर देवे पर उसने किला हवाले करन तो ना कर दित्ती ते टाकरे वास्ते तैयार हो गया। उन्हें 3 दिन लाहौर दरबार ते अंग्रेजां दीआं फौजां दा टाकरा किया। बड़ी घमसान की लड़ाई पिछों उसने किला खाली किया। कांगड़े का यह हाल वेख के अंग्रेज अफसर ते देसी अफसर घबरा उठे सन। नवा प्रबंध, 9 ते 11 मार्च 1846 ईस्वी दियां सुलाह पक्कियां हो गई। लाहौर दरबार के पुराने सिपाही लाहौर बुला के तनखा दे के अगे वास्ते नौकरी तो हटा दिते गए। सुलाह अनुसार अंग्रेजी फौज सर जॉन लिटलर की कमान हेठा लाहौर रखी गई। राज प्रबंध एक कौंसल दे हाथ दिता गया। यह कौंसल एक अंग्रेज एजेंट हैनरी लारेंस के अधीन रखी गई। लाल सिंह वजीर ते तेज सिंह सेनापति बने। गुलाब सिंह जम्मू ते कश्मीर का वखरा महाराजा बना दिता गया
महाराणी जिंद कौर दलीप सिंह दी मुख्तियार बनी ते दोहां मां पुत्तां दे निजी खर्चा वास्ते 1,00,000 माहवार पक्का होया। यह सारा प्रबंध करके तुरन लगे हार्डिंग ने कौंसल नूं इउं कहा, सफलता ते असफलता तुहाडे अपने हाथ विच है, मैं तुहाडी सहायता करन तो कदे मूंह नहीं मोड़ांगा, पर जे तुसां इह वेला हथों गुआ लिया तां अंग्रेज़ां वल्लों कोई मदद वी तुहाडी रियासत नूं बचा नहीं सकेगी। हार्डिंग ते गफ पंजाब नूं छड के चले गए, पिछों सिख हकूमत किस ढंग दी रह गई सी। मैक ग्रैगर लिखता है, लाहौर दी सिख हकूमत असल अर्थां विच मुक चुकी है, विखावे मात्र उस विच इक बादशाह, इक वजीर ते इक फौज है, मगर सारे दे सारे अंग्रेजी ताकत दे आसरे थले सन। बादशाह जां महाराजा दलीप सिंह इक कठपुतली है जिस दी असल अर्थां विच कोई ताकत नहीं है ते जो पूरी तरह अंग्रेजां दे अधीन है। सही अर्थां विच अंग्रेज इस वेले पंजाब दे हाकम हन। हुण तक असी इस किताब दे 174 पन्ने पढ़ चुके हां, बाकी किताब असी अगले भाग विच पढ़ांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।